बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उनकी जो फर्स्ट बुक है भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार वाली, उसका चैप्टर 4 आज हम करेंगे, जिसका नाम है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका से संबंधित ये जो पार्ट 1 है, ठीक है, 3 पार्ट बनाएंगे बनाए जाएंगे दोस्तों। ये पार्ट 1 है जिसमें हम देखेंगे अर्थ, कार्यपालिका का अर्थ क्या है, कार्यपालिका के प्रकार क्या है, और भारत में कार्यपालिका जो है उसका विकास किस तरह से हुआ है, ये सभी चीजें, ये सभी टॉपिक्स आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और बच्चों मैंने कुछ नया ट्राई किया है कि आपको ग्रीन स्क्रीन पे अच्छे से जो चीजें हैं वो समझाई जाए। तो अगर आपको ये सही लगता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर आपको पुराना वाला तरीका सही लगता है तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि कार्यपालिका का जो अर्थ है वो क्या है, ठीक है, कार्यपालिका का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले तो कार्यपालिका के बारे में जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रशासन क्या होता है या फिर प्रबंधन क्या होता है। तो एक उदाहरण लेते हैं आपके स्कूल का। आपके स्कूल में बच्चे भी होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, और एक मुख्य क्या होता है, प्रिंसिपल। तो कार्यपालिका भी बिल्कुल एक स्कूल की तरह ही है। जैसे स्कूल में क्या होता है कि कोई भी जो महत्वपूर्ण निर्णय होता है वो कौन लेता है, प्रिंसिपल लेता है, और चर्चा किससे करता है, अपने स्टूडेंट्स और जो उनकी टीचर समिति होती है उससे करते हैं। तो उसी तरह से किसी भी संगठन में किसी भी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू भी करना पड़ता है, जिसे हम प्रशासन कहते हैं, जिसे हम स्कूल के संबंध में आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके अर्थ को एक सही ढंग से समझते हैं कि कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों को, यानी कि जो कायदे होते हैं, कानून होते हैं, नियम होते हैं, उनको संगठन में रोजाना लागू करते हैं और मुख्यतः जो है ये प्रशासन के लिए कार्य करते हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री कायदे कानूनों को तो लागू करता ही है, ठीक है। लेकिन जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंतर्गत ही देखिए राष्ट्रपति भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद भी आते हैं, और साथ ही साथ जो पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा है वो भी इसके सदस्य हैं, और सिविल सेवा के सदस्य भी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया कार्यपालिका का अर्थ क्या है। इसका जो प्रमुख कार्य है कार्यपालिका का, वो कार्य ये होता है कि विधायिका के द्वारा जो भी नीतियां होती हैं, जो भी नियम होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उन सभी को जो कार्यपालिका है वो लागू करती है और उनका निरीक्षण करती है और उनके उत्तर के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। तो कार्यपालिका का अर्थ सदस्य और कार्य, ये तो आपको पता चल गए। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि कार्यपालिका भी जो है वो मुख्यतः दो तरीके से बांट सकते हैं, एक राजनीतिक, ठीक है, और दूसरा हम बांट सकते हैं आपका स्थायी कार्यपालिका, ठीक है। एक राजनीतिक कार्यपालिका हो गई, ठीक है, और एक हो गई स्थायी कार्यपालिका। तो राजनीति में जो है वो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों के द्वारा जो सरकार की नीतियां बनाई जाती हैं उनके लिए लोग उत्तरदायी होते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका। नेक्स्ट है कि जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि डेली बेसिस पे जो कार्य करते हैं, उन्हें कहते हैं स्थायी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के अर्थ के बारे में आई होप आपको सभी को पता चल गया होगा कि कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करना, और मुख्यतः कार्य क्या होता है, विधायिका के द्वारा स्वीकृत जो नीतियां होती हैं, जो कानून होते हैं, उसे लागू करना और उनके लिए जिम्मेदार। इसके सदस्य होते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा और सिविल सेवा के सदस्य। और दो तरह की होती है, राजनीतिक और स्थायी। अगला आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है बच्चों हमारा कार्यपालिका के प्रकार, ठीक है। अभी हमने देख लिया कार्यपालिका का जो अर्थ है वो क्या होता है, अब हम जानेंगे इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसे दो तरीके से बांटेंगे, एक है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत के आधारित प्रणाली और एक है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। यानी कि इसका मतलब समझिए, सामूहिक का मतलब हो गया जिसमें दो प्रमुख होंगे, एक देश का प्रमुख और एक सरकार का प्रमुख। और जो एक व्यक्ति के नेतृत्व वाली है इसमें देश का भी एक ही प्रमुख होगा और सरकार का भी एक ही प्रमुख होगा। चलिए अब इससे समझते हैं। तो इसमें जो आपकी सामूहिक नेतृत्व सिद्धांत वाली है इसमें मुख्यतः दो तरह की होती है, ठीक है, जिसमें सबसे पहली है संसदीय।
तो संसदीय की बात अगर हम करें तो इसमें जो सरकार का प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री, ठीक है। और प्रधानमंत्री जो है वो विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि जब तक इसके पास बहुमत है ये सरकार इसकी चली रहेगी, जैसे ही बहुमत खो देगा वैसे ही इसकी सरकार भी खत्म हो जाएगी। और ये जो प्रधानमंत्री होता है वो विधायिका के प्रति जवाबदेही इसकी होती है कि कुछ भी कार्य करता है, कोई भी नियम कायदे कानून वगैरह बनाता है तो ये विधायिका के प्रति जवाबदेही इसकी रहती है। इसमें देखिए सरकार का प्रमुख तो प्रधान हो गया, प्रधानमंत्री, और जो देश का प्रमुख होगा वो राजा हो सकता है या फिर राष्ट्रपति हो सकता है, ठीक है। अब राजा जहां पे देश का प्रमुख होगा उसे कहेंगे संवैधानिक राजतंत्र, और जो राष्ट्रपति जहां पर देश का प्रमुख होगा उसे कहेंगे संसदीय गणतंत्र। और ये दोनों ही एक तरह से औपचारिक शासन के प्रमुख होते हैं। उदाहरण देश की अगर हम बात करें तो जर्मनी है, इटली है, जापान है, इंग्लैंड है और पुर्तगाल है। तो ये तो हो गई आपकी संसदीय जो व्यवस्था है उसके बारे में। नेक्स्ट है आपकी अर्ध अध्यक्षात्मक, ठीक है। अर्ध अध्यक्षात्मक नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मतलब दो तरीके से इसमें सरकार चलेगी। एक तो है कि देश का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति, और सरकार का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जो होती है ये दोनों ही विधायिका के प्रति जवाबदेह इनकी होती है। उदाहरण के देश की बात करें तो फ्रांस है, रूस है और श्रीलंका है। नेक्स्ट है बच्चों आपकी एक सिद्धांत के नेतृत्व पर आधारित जो प्रणाली है उसके बारे में। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित मतलब कि एक ही व्यक्ति देश का भी और सरकार का भी प्रमुख। तो देखिए अध्यक्षात्मक प्रणाली है, इसमें देश का एवं सरकार का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति, ठीक है। और राष्ट्रपति जो होता है उसका चुनाव जिस तरह से भारत में अगर हम बात करें तो जनता करती है, वैसे ही प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का इसमें चुनाव होता है। और राष्ट्रपति इस प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के प्रति जवाबदेह इसकी नहीं होती है, जैसे संसदीय में यहाँ पे क्या है ये जो है वो विधायिका के प्रति इसकी जवाबदेही होती है प्रधानमंत्री की, लेकिन अर्ध अध्यक्षात्मक में ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति विधायिका के प्रति इसकी जवाबदेही नहीं होगी। इसे आप अच्छे से अगर समझना चाहते हैं तो इसे रिलेट कीजिए आप अमेरिका के राष्ट्रपति से, ठीक है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो देश का एवं सरकार दोनों का ही प्रमुख है, ठीक है। उदाहरण देश है अमेरिका है, ब्राजील है और लैटिन अमेरिका है। तो एक बार दोबारा समराइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। तो कार्यपालिका के प्रकार में हमने पढ़ा है कि सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, जिसमें संसदीय प्रणाली हमने देखी है, और अध्यक्षात्मक जिसमें देश और सरकार के प्रमुख अलग अलग होते हैं। फिर हमने देखा एक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित जो प्रणाली है जिसमें देश और सरकार का प्रमुख एक ही होता है, राष्ट्रपति, जिसका नाम है अध्यक्षात्मक। तो दो टॉपिक हमारे क्लियर हो गए अभी तक कि एक तो हो गया कि कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और दूसरा कार्यपालिका के प्रकार। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अगला जो हमारा पॉइंट है इस वीडियो का आखिरी पॉइंट है कि भारत में जो संसदीय कार्यपालिका है, ठीक है, इसका विकास किस तरह से हुआ और इसका अर्थ क्या है। तो आपको पता होगा कि 1919 और 1935 में, खास करके 1935 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे भारत में जब अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो उसी प्रांतीय चुनाव से भारत में जो संसदीय व्यवस्था थी उसकी जड़ें उभरी थी, ठीक है। अगला पॉइंट है कि संविधान निर्माता जो थे, जब संविधान हमारा बन रहा था, जिन लोगों के द्वारा संविधान बनाया गया, वो बेसिकली एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसके अंतर्गत व्यक्ति पूजा पर पर्याप्त अंकुश लगा हो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सारी की सारी शक्तियां हैं वो किसी एक व्यक्ति के या फिर एक संस्था के हाथ में ना दी जाए, नहीं तो देश जो है वो तानाशाह बन सकता है, देश की अर्थव्यवस्था खराब हो सकती है, एक तरह से देश बिखर जाएगा, क्योंकि एक ही व्यक्ति के पास जब सारी की सारी जो शक्तियां हैं वो होंगी तो फिर सिंपल सी बात है कि वो अपनी मनमर्जी करेगा, ठीक है। तो इसीलिए संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें जो व्यक्ति पूजा है वो नहीं होनी चाहिए, यानी कि सारी की सारी शक्तियां किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए भारत में जो था वो संसदीय कार्यपालिका को अपनाया गया। इसमें क्या होता है, अभी हमने पीछे देखा था संसदीय कार्यपालिका में क्या होता है, देख सके हाँ, इसमें सरकार का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री, और देश का प्रमुख कौन होता है, राष्ट्रपति। यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति, संसदीय गणतंत्र है भारत में तो राष्ट्रपति देश का प्रमुख होगा और सरकार का प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री। तो इसीलिए जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इस प्रणाली को भारत में अपनाया था। भारत में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका,
विधायिका जो मतलब जो कार्यपालिका है ठीक है, ये विधायिका के प्रति और जनता के प्रति, जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी। कार्यपालिका जो भी कार्य करेगी वो जो है वो विधायिका के प्रति या फिर जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनके प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे ही ये नियंत्रित होती है। अगला पॉइंट, भारत के संविधान में औपचारिक रूप से जो संघ की शक्तियां हैं यानी एक तरह से देश की जो औपचारिक शक्तियां हैं भारतीय संविधान में वो किसको दी गई हैं? राष्ट्रपति को दी गई है। लेकिन हालांकि औपचारिक शक्तियां तो हैं किसके पास? राष्ट्रपति के पास, लेकिन वो इन सभी शक्तियों का तब तक सही उपयोग नहीं कर सकता है जब तक प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से वो सलाह नहीं ले लेता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम देखेंगे बच्चों कि जो नेक्स्ट पार्ट टू होगा उसमें क्या जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की इस सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है या नहीं होता है, तो इसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये तो आपको पता चल गया कि औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। अब बात करते हैं राज्यों की कार्यपालिका की। तो बच्चों राज्यों की कार्यपालिका में राज्य स्तर पर एक राज्यपाल होता है, एक मुख्यमंत्री होता है। देखिए देश स्तर पर प्रधानमंत्री होता है और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री होता है, और मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद होती है उसको मिलाकर कहते हैं राज्य की कार्यपालिका। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको जो आपका टॉपिक था भारत में संसदीय कार्यपालिका का विकास कैसे हुआ, तो 1935 में प्रांतीय चुनाव से इसकी जड़ें उभरी। संविधान निर्माता चाहते थे कि एक ऐसी सरकार हो जिसमें व्यक्ति पूजा ना हो, यानी कि सारी की सारी शक्तियां व्यक्ति को नहीं मिलनी चाहिए, और जो कार्यपालिका है वो विधायिका और जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए। संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं भारत में वो किसके पास है? राष्ट्रपति, लेकिन वो उपयोग तभी कर सकता है जब वो मंत्रिपरिषद और मंत्री से सलाह मशवरा करेगा तब। और राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद ये मिलाकर राज्य की कार्यपालिका बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म होता है और आज का वीडियो भी बच्चों हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो बेसिकली एक बार समराइज कर लेते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो आज हमने देखा है कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है, सेकंड देखा है कार्यपालिका के प्रकार क्या है, और थर्ड हमने देखा है भारत में संसदीय कार्यपालिका का विकास। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो के एंड होने से पहले वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो के नीचे एक कमेंट में बताइएगा कि वीडियो के अंदर जो समझाने का तरीका है क्या वो आपको समझ में आया है। ठीक है, और अगर कोई भी कमी लगती है वीडियो के अंतर्गत तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में पिन करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे जरूर पढ़ूंगा, जितने भी कमेंट होंगे उसको रीड करूंगा और रिप्लाई भी करूंगा जहां तक हो सकेगा। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर हैंडल, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है क्लास 11th एंड 12th का, उससे बच्चों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पे आपको नई नई अपडेट डेली मिलती रहती है। तो चलिए बच्चों वीडियो को यहीं पे हम क्लोज करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।